दोस्तों, ये कहना आसान है कि टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी कीमत वही जानते हैं जो छोटे मोटे रोल के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं और इसी तरह स्ट्रगल किया है एक्टर परम सिंह ने, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद जॉब छोड़ टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना बेहतर समझा। कैसे परम ने अपने आप को टीवी इंडस्ट्री में स्थापित किया, अगर आप भी जानना चाहते हैं परम की जिंदगी से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग सी बातें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। परम सिंह का जन्म 8 सितंबर 1988 को कानपुर उत्तर प्रदेश की एक मिडिल क्लास सिख फैमिली में हुआ। परम की फैमिली में इनके पेरेंट्स और एक सिस्टर हैं। परम ने अपनी स्कूलिंग विलमोरिया हाई स्कूल से की और उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एमएमके कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से की। फिर बाद में परम ने वेबस्टर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लंदन से फाइनेंस में एमबीए किया। परम जब छोटे थे तो ये पुरानी क्लासिक फिल्मों को हिंदी और अंग्रेजी में देखते थे और उन्हें देखकर इनका बहुत माइंड फ्रेश होता था और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होती थी तो ये उसे भी भूल जाते थे। और फिल्मों को देखकर परम को एहसास होता था कि मैं भी इनकी तरह एक्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन बचपन में परम बहुत शर्मीले थे, इसीलिए वो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करते थे कि उन्हें एक्टर बनना है। परम के पेरेंट्स चाहते थे कि परम एमबीए करें, क्योंकि उनका मानना था कि परम के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ लोग परम के फादर से बोलते थे कि आपका बेटा अच्छा दिखता है, वो एक्टर बन सकता है, लेकिन परम की फैमिली में से कोई भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं था और इसीलिए परम के फादर परम से बोलते थे कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मेरे साथ बिजनेस करो, क्योंकि एक्टिंग का करियर स्टेबल नहीं है। लेकिन परम किसी भी हालत में अपने फादर के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते थे। परम का लाइन सीधा था और उन्हें अपना करियर एक्टिंग में ही बनाना था और इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ठीक वैसा ही किया जैसा कि परम चाहते थे। फिर परम ने वेरिजोन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया और एक्टिंग फील्ड में अपना कदम रखा और मॉडलिंग करने के साथ साथ ऑडिशन भी देने लगे। लेकिन शुरुआत में परम सिर्फ फिल्मों के लिए ही ऑडिशन दे रहे थे। कुछ दिनों बाद परम को एहसास हुआ कि अगर मैं टीवी शोज छोड़कर फिल्म करने का इंतजार करता रहा तो मैं एक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। परम इंडस्ट्री में रहकर इतना तो जान गए थे कि बेशक एक टीवी शो करना मुश्किल है, लेकिन टेलीविजन अभी भी नए लोगों को मौका और अवसर देता है और फिल्मों में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर परम ने टीवी पर ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया। बहुत से ऑडिशन देने के बाद साल 2011 में परम को सोनी टीवी के शो परवरिश में काम करने का मौका मिला और इस मौके को परम ने अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दिया और बखूबी अपना किरदार निभाया। लेकिन साल 2012 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बहुत हर्ट हुए। दोस्तों, एक फिल्म थी जिसे बैरी जॉन बना रहे थे और बहुत से लोगों ने इसके लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन परम बहुत खुशकिस्मत थे कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। फिर लगभग 4 महीने तक परम ने उस फिल्म पर काम किया, लेकिन इसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि मुझे इस फिल्म के लिए एक जाना पहचाना चेहरा चाहिए। उस वक्त परम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। वेरी जॉन ने परम को मौका दिया था, लेकिन प्रोड्यूसर अपनी फिल्म का मार्केटिंग करना चाहता था और इसीलिए उन्हें जाना पहचाना नाम चाहिए था। परम ने भी सोच लिया था कि अब वो फिल्मों के लिए इंतजार नहीं करेंगे और फिर से उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें सड्डा हक शो मिला और इस शो को करने के बाद परम को अच्छी खासी पहचान मिल गई और फिर उन्होंने जी टीवी के शो गुलाम में काम करने के बाद स्टार प्लस के शो मरियम खान में भी काम किया। परम को शुरुआत में जिस फिल्म से हटा दिया गया था वो फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई OTT प्लेटफॉर्म पर और वो फिल्म किसी ने नहीं देखी। जब वह फिल्म परम ने देखी तो बहुत खुश हुए। दरअसल परम अपने डिसीजन से खुश हुए कि उन्होंने इस फिल्म के लिए इंतजार नहीं किया। परम साल 2019 में GTV के शो हैवान में नजर आए और फिर मिला परम को सोनी टीवी के शो इश्क पर जोर नहीं में काम करने का मौका। ये शो मार्च 2021 में शुरू हुआ और अगस्त 2021 में बंद हो गया, क्योंकि इस शो में ज़्यादा TRP नहीं आ रही थी, इसीलिए मेकर्स ने इस शो को बंद कर दिया। इस शो के बंद होने पर परम को काफ़ी दुख हुआ।
सिर्फ ये ही नहीं, परम ने और भी कई टीवी शोज, वेब सीरीज और कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। परम आज टीवी इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने नाम हैं। दोस्तों, सड्डा हक शो के दौरान परम और उनकी को एक्ट्रेस हर्षिता गौर की रिलेशनशिप की खबरें आईं और ये बात उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी की थी, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। परम फिलहाल सिंगल हैं और सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। बात करें परम की हाइट की, तो उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच और बॉडी वेट लगभग 63 kg है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी परम सिंह की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।